सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के राहे प्रखंड में दीपक कुमार मांझी ने किया जनसंपर्क। जनसंपर्क के दौरान दीपक कुमार मांझी दर्जनों युवा और बुजुर्गों से मिले। मेरा मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा है इस क्षेत्र का यूथ का जो बेरोजगारी का समस्या है। सबसे पहले उन मुद्दों में मैं काम करना चाहूँगा। यहाँ किसानों का यह समस्या है, सिंचाई का, उस मुद्दा में काम करना चाहूँगा। और जो हम लोग का शिक्षा का स्तर भी गिरा हुआ है सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का, उस मुद्दा में मैं काम करना चाहूँगा। हर जगह पे, हर पंचायत में मॉडल स्कूल खोलने का काम करूँगा मैं। हर जहाँ पे नदी से जुड़ा हुआ गांव है वहाँ पे नहरों का व्यवस्था करूँगा मैं। और जहाँ पे नहर का व्यवस्था ना हो सके वहाँ डीप बोरिंग का सुविधा करके किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था करने का मुद्दा हम लोग का है। व्यवस्था हो और कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था हो और सभी स्कूलों को जितना पंचायत लेवल में कम से कम जो स्कूल हैं उसको मॉडल स्कूल बनाया जाए। और सरकार का जो नीति है अभी कि शराब का दुकान खुलवा रही है सरकार और स्कूलों को बंद विलय कर रही है, तो मैं चाहूँगा कि स्कूलों का विलय करना सरकार बंद करे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले ताकि सभी बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा मिल सके। यही हम लोग का मुद्दा है। अभी तक लगभग बहुत सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है, सभी गाँव से हम लोग का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम लोग का जो मुद्दा है यूथ के लिए, हम लोग का मुद्दा है। सभी यूथ धीरे धीरे हम लोग से जुड़ रहे हैं और सबका समर्थन हम लोग को मिल रहा है। बुजुर्गों के लिए हम लोग चाहते हैं कि जो पेंशन का समस्या सबके साथ है, अभी हम चाहते हैं कि जो ऑफिसर के पास जाते हैं समस्या लेके अपना पेंशन का, वो ऐसा कुछ व्यवस्था हो गांव में कि गांव से ही सबका पेंशन का सारा व्यवस्था हो और सबका पेंशन योजना जो है सबको मिलता है, सबको मिले और कभी बुजुर्गों को कोई दिक्कत ना हो। हमारे सब के रिक्वेस्ट है कि समर्थन करा हमारे मुद्दा सबके हित के खातिर, और सबके हित में हमारे काम करो।